जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांडे ब्लॉग्स में। तो अभी हम हैं गांधी मैदान के पास, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे 3 दिवसीय बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 22 मार्च को बिहार दिवस होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और 24 मार्च है और लास्ट दिन है आज बिहार दिवस का। और यहाँ से इधर हम आपको अंदर ले चलेंगे, काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे क्या क्या है इसमें। अभी तो हम गए नहीं हैं, आज लास्ट दिन है तो सोचे हैं कि आके आप लोगों को एक्सप्लोर किया जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, धन्यवाद। तो हम अभी अंदर आ चुके हैं, जो भी मेला लगा है यहाँ पे। और इस बार का थीम है जन जीवन हरियाली। और बहुत तेज़ धूप है इसलिए थोड़ा सा आँख मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे बिहार का नक्शा है, जो रात में और बढ़िया दिखेगा आपको। इस बार का थीम है जन जीवन हरियाली। और बहुत अच्छी चीज़ है, सबको ये समझना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को बचाए रखिएगा, तभी भविष्य में काम आएगा। अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ तो करके जाइए, तो एक पेड़ जरूर लगाइए आप लोग। अब आप ही बताइए महाराज, अगर राजकोष में धन ही ना रहा तो राज्य का खर्च कैसे चलेगा? सही बोले चमचे। महल का खर्च कैसे चलेगा? एकदम सही बोले चमचे। और आपका खर्च कैसे चलेगा महाराज? सही बोले चमचे। तो आप मंत्री जी को बोल दीजिए कि हर मामले में अपनी टांग ना घुसे रे। मंत्री जी, जी महाराज, आप अपनी टांग को हर मामले में ना घुसे। इतना गर्मी होने के बाद भी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भी शहर के आसपास ऐसा कुछ होता है तो अच्छा लगता है। और बहुत ही बहुत तरह से सजाया भी गया है, देख सकते हैं। तो जो बिहार के हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे बिहार एक झलक पर्यटन विभाग, जो बिहार की मुख्य चीज़ें हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं और बिहार की एक झलक आपको दिखाते हैं। अगर आप बिहार नहीं घूम सकते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको जितने भी बिहार के तीर्थस्थल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये जल मंदिर, पटना साहिब,
मतलब सारा चीज़ यहाँ पे रखा गया है बना के, कि आप देख सकते हो मकबरा है वो वहाँ पे, ब्रह्म कुंड हो गया, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है यहाँ पे इस बार, और बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है पूरा गांधी मैदान, लग रहा है कि यह लोग कवर कर लिया है। ये तो एक साइड हो गया जो हमने आपको अंदर दिखाई, इतना भव्य था। इसके अलावा ये देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है मजमा, ये देखिए, ये इधर भी है यार, बाप रे बाप। अभी हम व्यंजन मेला के अंदर हैं, और व्यंजन मेला के नज़ारे देखिए, इसमें खाने पीने की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए ये भी कितना बड़ा है, बाप रे बाप, इसमें काफ़ी प्रकार की चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी। उद्योग मंडप के अंदर हैं हम लोग, और उसके नज़ारे देखिए, मतलब इस तरह का मेला हमने तो अभी तक नहीं देखा था हमारे बिहार में। इस तरह का मेला आपको हम तो नहीं देखे, आप लोग पता नहीं देखेंगे नहीं, लेकिन बहुत भव्य है। वीडियो में देखने से पता नहीं आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं, लेकिन उससे और ज़्यादा भव्य, इतने ज़्यादा लोग और इतना बड़ा बड़ा स्टॉल लगाया गया है इसमें कि मतलब पूछिए मत, बहुत बड़ा है यार, हर एक चीज़ जा रहा है ना, इतना बड़ा दिख रहा है ना कि पूछिए मत। देखिए मेरा इतने, मतलब हर तरफ देखिए कितना बड़ा बड़ा, एक एक साइड का अलग अलग लगाया गया है यहाँ पे, मतलब उद्योग का, खाने का लेकर इनसे बस के बारे में, मतलब हर तरह के, मतलब बिहार को है ना, मतलब अलग ही राह पर चल रहा है। जो भी लोग इस 3 दिवसीय मेला में नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, या जो भी यहाँ से दूर के हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सभी लोगों को देखना चाहिए। बिहार में इतना भव्य मेला लगा, पता नहीं दोबारा कब लगेगा, हो सकता है 1 साल बाद फिर लगे। अब सभी के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लास्ट में एक ही बात कहनी थी आप लोगों से, कि अगर पूरा बिहार नहीं घूम पाते हैं आप, बिहार का कल्चर नहीं देख पाते हैं, अगर कुछ भी नहीं देख पाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो जिस तरह से इसमें सजाया गया ना भाई, मतलब आदमी कुछ बता ही नहीं सकता है, इतने अमेजिंग तरीके से, बहुत ही अच्छा लगा हमको देखकर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें, और सभी बिहारियों के पास शेयर कीजिए, बताइए कि हमारे बिहार में क्या क्या है। और बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है, 3 साल बाद भले हुआ है, लेकिन 3 साल का कसर इस साल में निकल गया है, बहुत बड़ा लग रहा है। घूमते घूमते हालत ख़राब हो, अगर हम नहीं आते तो अफसोस ही होता, इतना अच्छा जगह देखने को मतलब नहीं मिला, इतना अच्छा तैयारी जो किया गया है।
तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।